और खबर इटावा से है। कॉर्पोरेटर चुनाव में सपा को टक्कर देगी बीजेपी। इटावा में 48 समितियों में आज सदस्यों का चुनाव होने वाला है। पिछले 30 सालों से सहकारी चुनाव में शिवपाल यादव का दबदबा रहा है। आपको बता दें, पहली बार इटावा में भाजपा सपा को टक्कर देने वाली है। शिवपाल को की गैर मौजूदगी में उनके बेटे और समर्थक ये पूरी कमान संभाल रहे हैं। तो सपा वर्सेस बीजेपी देखने वाला है इटावा में। 48 समितियों में आज सदस्यों का चुनाव होगा। कॉपरेटिव चुनाव में सपा को कड़ी टक्कर देने वाली इस बारी भाजपा। और आपको बता दें, शिवपाल की गैर मौजूदगी में उनके बेटे और समर्थक यहां की कमान संभाले हुए। और खबर रामपुर से है। यहां पर हाईकोर्ट के आदेश पर आज खुलेगा रामपुर पब्लिक स्कूल। रामपुर पब्लिक स्कूल को प्रशासन ने सील कर दिया था। बच्चों को परीक्षा के मद्देनजर हाईकोर्ट का यह पूरा फैसला था। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये स्कूल खुलेगा। आजम खान के जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित है ये स्कूल। तो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये स्कूल खुलेगा। बच्चों की परीक्षा के मद्देनजर हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें, रामपुर पब्लिक स्कूल को प्रशासन ने सील कर दिया था और अब हाईकोर्ट के ही आदेश के बाद रामपुर पब्लिक स्कूल खुलने वाला है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये स्कूल खुलेगा। आजम खान के जौहर ट्रस्ट द्वारा ये स्कूल संचालित किया जा रहा था। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा इसे सील कर दिया गया था, लेकिन अब इसे वापस से खोल दिया जाए। तो आज से बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन होगा। परीक्षा की आंसर कॉपियों को आज से चेक किया जाएगा। प्रदेश में 58 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। बोर्ड परीक्षा का 40 दिनों में परिणाम आ सकता है। मई महीने में बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आने के आसार हैं। तो आज से चेकिंग चालू हो जाएगी, यानी कि आज से तकरीबन 40 दिनों के बाद परिणाम आना संभव है। मई महीने में बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आने के आसार बताए जा रहे हैं। 58 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। बोर्ड की परीक्षा थी 40 दिन में। बताया जा रहा है कि आज से अगर आंसर कॉपी चेक होना स्टार्ट होती है तो मई महीने में बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आने के आसार हैं। 40 दिनों के अंदर यह परिणाम आ सकता है। आज से बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन होगा, आंसर कॉपीज को चेक किया जाएगा। और वहीं मथुरा डीएम ने कार्य में लापरवाही के आरोप में जिले में करीब 40 अधिकारियों को नोटिस भेजा है। इसमें आईएएस और पीसीएस से कई अधिकारी शामिल हैं। डीएम के नोटिस से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम की ओर से चेतावनी नोटिस मिलने वालों में नगर आयुक्त, सीडीओ, सीएमओ और एसपी समेत कई अधिकारियों के नाम शामिल है। आपको बता दें, नोटिस में साफ साफ लिखा है कि अगर अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं देते तो उनको 1 महीने का वेतन काट लिया जाएगा। तो ये बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। डीएम ने 40 अधिकारियों को नोटिस भेजा है, जिसमें कई पीसीएस शामिल है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, 1 महीने का वेतन काट लिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।